अगर रातों में बैठकर तुम सर पे हाथ रखकर मायूसी का शिकार हो जाओगे तो मेरे अजीज दोस्तों तुम्हारे इस मायूसी का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बेवाओं की तरह रोता है फरियाद करता है तो दुनिया उसको कमजोर समझती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करो। ऐ मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? क्या अल्लाह ने तुमको सोचने समझने की तमीज नहीं दी? अगर ये अल्लाह ने ये तमाम औसाफ से तुमको आरास्ता किया, ये कीमती चीजें इंसान ने अल्लाह को दी है, तो जरा दिमाग पर जोर डालो और अपने आप से सवाल करो कि समाजवादी के 5 साल में किसको फायदा होता था, किसको फायदा हुआ? यादव परिवार को हुआ। बहुजन समाज के 5 साल में किसको फायदा हुआ? तो उन्हीं लोगों को हुआ जो गरीब और मजलूम है। बताओ फिर हमारा क्या फायदा और नुकसान हुआ? ये फैसला आपको करना है अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले। यही समाजवादी पार्टी ने 2012 में वादा किया था कि हर मुस्लिम इलाके में स्कूल खोले जाएंगे। 15 तारीख को वोट डालने से पहले जरा अपने आप पर जोर डालकर सवाल करो अपने आप से कि क्या मुरादाबाद शहर में ये समाजवादी की सरकार ने कोई गवर्नमेंट के स्कूल खोले? आपको जवाब मिलेगा नहीं खोले। ये वादा भी उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था। रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, संविधान में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो स्कूल तो खोल सकते थे, नहीं खोले। अखिलेश ने वादा किया था, क्या वादा किया था? कि मुस्लिम इलाकों में हम कैंप करवाएंगे, कैंप करवाकर उन नौजवानों को पुलिस में भर्तियां कराएंगे। सोचो नौजवानों, मुझे उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा मुकाम बता दो जहां 5 साल में अखिलेश यादव ने कोई कैंप करवाया, नौजवानों को बुलाया और कहा कि इस कैंप में शिरकत करो। आज संभल में तकरीर करते हुए अखिलेश यादव बोलते हैं कि इम्तिहान नहीं रखेंगे, सिर्फ दौड़, और जो भागेगा उसमें जीत जाएंगे। अखिलेश यादव, अब 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद की आवाम तुमको भगाएगी इख्तदार से, तब तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे वादे कहां तक सच साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गो, मेरे कयूर नौजवान साथियों, यही वादा है किया था कि जेल में जो बच्चे सर रहे उनको छोड़ा जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं अखिलेश यादव को, तुम कल जब मुरादाबाद को आओगे तो यही मुरादाबाद के नौजवानों और बुजुर्गों के सामने उन 100 बच्चों का नाम पेश करो जिनको तुम्हारी हुकूमत ने जेल से छुड़ाया। उन 100 बच्चों को तुमने पैसे देने का वादा किया, कितनों को पैसे दिए बता दो? तुमने कहा था कि खाती पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वादा किया गया था कि जो 10 कार है उनको बर्फी फ्री में दी जाएगी, कहां दिया गया? ये तमाम वादे एक लंबी फेरिस्त है इनके वादों की जो पूरा नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ? डेवलपमेंट, विकास की बात अखिलेश करता है। हाँ, ये बात सही है कि विकास मैनपुरी में हुआ, विकास इटावा में हुआ, विकास सैफाई में हुआ। और कैसा विकास हुआ? अखिलेश यादव ने सैफाई में जू बनाया और उस जू में 10 बबर शेर को लाकर रखे और उस 10 में से 6 मर गए। तो अखिलेश यादव ने लखनऊ से डॉक्टर नहीं बुलाए, अखिलेश यादव ने लंदन से डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि जू में जानवर मर गए थे। ये मुख्यमंत्री है, मुरादाबाद हो, संभल हो या फिर बिजनौर हो, यहां पर गवर्नमेंट के अस्पतालों में गरीबों का कोई देखने वाला नहीं है, दवाएं नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं है, मगर सैफाई में जंगल में पवर शेर मर जाते हैं। तो मोहतरम अखिलेश यादव दिल तड़पता है, लंदन से डॉक्टर को बुलाते हैं।
मुरादाबाद के इसी गली कूचों में साफ पानी नहीं मिलता, बच्चे बीमार पड़ जाते, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते। तो अखिलेश यादव ने क्या किया, सैफई में जो जानवर थे वहां पर एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बनाया। ये जो किनली और यह कोफीना का बॉटल में जो पानी आता है, वो पानी का इंतजाम जंगल के बबर शेर के लिए अखिलेश ने किया। मैं एक एक बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप मालूम करवा लो। और ये काम उन्होंने वहां पर किया जब जंगल जू में आप जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम कर सकते, तो इंसानों की बस्तियों में क्यों नहीं किया अखिलेश? ये सवाल आपको करना है 15 तारीख के दिन वोट डालने से पहले। और फिर ये नौकरियों का वादा करता है अखिलेश कि मैंने नौकरियां दी, ठीक है। एक और इनकी झूठ साबित करता हूं आपके सामने, उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में 3,65,000 नौकरियां मंजूर शुदा है, सेंक्शन पोस्ट है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वाहिद रियासत है जहां पर 55% पुलिस की जायदादें खाली पड़ी हुई है। 1,65,000 पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, 1,90,000 की वैकेंसी है। अगर 5 साल में अखिलेश यादव इसको पूर्ण करते तो मुसलमानों के नौजवानों को नौकरी मिलती, दलित को मिलती, कुशवाहा को मिलती, एमबीसी को मिलती, यादव को मिलती, सबको मिलती। 5 साल सोते रहे और 1,90,000 जायदादें खाली पड़ी हुई है। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश में पुलिस का बजट कितना है? 16,000 करोड़ रुपये है, 16,000 करोड़ का बजट है, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में अखिलेश ने वादा किया था कि कोई फिसाद नहीं होने देंगे। मेरे भाई आरटीआई में लोगों ने एप्लीकेशन डाला और आरटीआई का एप्लीकेशन कहता है कि उत्तर प्रदेश में 400 फसादात हुए, यही कांग्रेस और समाजवादी 400 फसादात। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इक्तदार मिलेगा तो 800 फसादात देंगे आपको। और जब लोग मरेंगे तो बोलेंगे तुम्हारी औरत की कीमत 5 लाख, तुम्हारा घर जल गया उसकी कीमत 15 लाख। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की जान की कीमत या उसके घर की कीमत कोई पैसों से नहीं तोल सकते। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम के जान और माल की हिफाजत करे। जो अखिलेश यादव नाकाम साबित हुए, 15 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी इस बात को भी जहन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो वाहिद रियासत है जहां पर अखिलेश के 5 साल में 200% बलात्कारों के वाकयात में इजाफा हुआ, 200% इंक्रीज हुआ औरतों की रेप का। क्या इसके बावजूद भी आप समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे? 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ, इनका ये रिकॉर्ड है लॉ एंड ऑर्डर का। जब लॉ एंड ऑर्डर इतना बदतरीन है तो कौन सा विकास होगा, कौन सा काम बोलता है? और मेरे भाई ये मेरे सामने मैं रिपोर्ट लाया हूं, देखो गौर से इसको, देखो गौर से इसको रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट है अंग्रेजी में लिखा हुआ लूजिंग फेथ, यानी एतमाद उठ जाना। किसकी रिपोर्ट है ये? 2 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को निकाला, 2 दिन पहले। और इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया की मशहूर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मुजफ्फरनगर के उन 7 खवातीन का जिक्र किया जिनकी इज्जत लूटी गई थी, जिनका इज्तिमाई रेप हुआ था। और जब वो सुप्रीम कोर्ट को गए और सुप्रीम कोर्ट ने यहां की सरकार से कहा कि इनसे जल्द से जल्द इंसाफ करो, मेरे भाई ये रिपोर्ट पढ़ो नौजवानों, जो पढ़ सकते हैं पढ़ो। अगर मैं इस रिपोर्ट के एक एक सफ़े को उर्दू में बयान करना शुरू करूंगा तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बहेंगे, तुम्हारे आंख से खून के आंसू बहेंगे, तुम्हारा कलेजा मुंह पर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, यही तालियां मार मार कर
आपको उड़ा देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जुल्म की दास्तान इसमें बयान की गई। सफे नंबर 4 पर क्या लिखा गया, सफे नंबर 4 पर यह रिपोर्ट लिखती है कि एक किसी खातून का नाम बजाला था, नहीं मालूम उसका नाम है, मगर कानून यह कहता है कि जिसका रेप होता उसका सही नाम नहीं लिखा जाता, मगर रिपोर्ट में गजाला लिखा। सफे नंबर 4 पर गजाला क्या कहती है, खाली एक दो लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि तीन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम खामोश नहीं बैठोगे तो तुम्हारे 4 साल के बच्चे को जान से मार देंगे। उसके बाद तीन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। यह औरत कहती है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया, जब मेरी इज्जत लुट चुकी तो मैं उठी, वो ट्यूबवेल से अपने जिस्म को साफ किया, अपने बेटे को पानी पिलाया क्योंकि मेरा बेटा बेहोश हो गया था। क्या आपको मालूम कि यही गजाला कोर्ट में जाकर कहती है कि मैं नहीं जानती इन लोगों को, क्योंकि जब कोर्ट को जा रही थी तो जालिम वो सामने आकर उसके बेटे के पेशानी पर तफंचा लगा दिया और कहा कि अगर कोर्ट में जाकर बयान दोगी तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये खातून जाकर कोर्ट में कहती है कि नहीं, मैं नहीं पहचानती। ये 7 में से 2 खवातीन ने जाकर कोर्ट से कह दिया जो मुजफ्फरनगर में उनकी इज्जत लूटी गई थी कि हम नहीं जानते इन जालिमों को जिन्होंने मेरे जिस्म के तार को तार तार कर दिया, मेरी इज्जत की धज्जिया उड़ा दी। उसमें से एक औरत का, एक खातून का शौहर कहता है, क्या कहता है शौहर सुनिए, शौहर क्या कहता है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसका बयान छपा। वो कहता है कि हम क्या करते, हमको 15 लाख रुपए देने का वादा किए गए, हमारे 15 लाख नहीं चाहिए, हम 15 लाख नहीं लिए, हम कोर्ट में जाकर अपने बेटे की जान के लिए, अपने बच्चों की जान के लिए जाकर कोर्ट में कहेंगे नहीं पहचानते। क्या कर रहा था किलेश, ये क्या कर रहे थे इनके अराकीन असेंबली, चूड़ियां पहन के सो रहे थे, अगर कोई इनके मेले को भूल के देख ले, इनके गाड़ी के सामने को आ जाए तो खुदा की कसम उनके चमचे निकलकर उस नौजवान को मार देंगे, पीट देंगे। ये इंसाफ है उत्तर प्रदेश का। सोचो मेरे भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए कि 7 में से 2 औरतें कोर्ट में बयान दे दी कि हम नहीं जानते। एक का नाम ईशा था जो पिछले साल एक बच्चे को पैदा करके इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अब 4 खवातीन ये कह रही है कि अखिलेश की सरकार इंसाफ नहीं करना चाहती। हिंदुस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई वकील अगर यहां पर है तो तस्दीक करेंगे, सीआरपीसी सेक्शन 309 ये कहता है अगर किसी औरत का रेप होता है, चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में 2 महीने में मुकदमा खत्म होना चाहिए। यहां 2-2 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों। ये अखिलेश विकास की बात करता है, ये अखिलेश विकास की बात करता है। नौजवानों, तुम मुरादाबाद में जरूर बैठे हो, मगर खुदा की कसम तुम इंसान हो, मैं इंसान हूं, यकीनन तुम अगर मुसलमान हो गए या जहां तक मेरी आवाज जारी तो नहीं होगा, मगर हम इंसान हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी औरत की इज्जत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आपके सामने कह रहा हूं अगर कोई गैर मुस्लिम औरत की भी इज्जत लूटी जाएगी और किसी भी हिंदुस्तान के कोने में आप पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100 दिनों इसी दौर का हमारा उस औरत की मदद के लिए पहुंचेगा। 2.5 साल 2 साल चार्जशीट पड़ गई मगर उनको सजा नहीं मिली। एक खातून इसमें कहती है, क्या कहती है उसमें, उसका नाम पढ़ के सुनाता हूं आपको। आरजू खातून का नाम है, इसने कहा कि 5 लाख मिले तो सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर मिले और उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खाली कोर्ट को आने जाने में खर्च हो गए। मेरे भाई ये है, ये उत्तर प्रदेश में विकास बोलता है। इतने मिले थे ना, क्यों कोई आवाज नहीं उठाया बताइए। बोलते हैं कि मैं फिरका परस्त हूं, ठीक है भाई, दुनिया का बदतरीन शख्स कोई है तो वैसे ये मानता हूं, मगर जो तुम जीत कर आए थे, अगर तुम 10, 15, 20 एक गाड़ी में अखिलेश के पास चले जाते
और जाकर बोलते कि चीफ मिनिस्टर साहब इन औरतों से इंसाफ करो, तुम्हारा 20 एक साथ जाना अखिलेश की रात की नींद हराम हो जाती, वो रातों रात केस को चलवाता और जालिमों को सजा हो जाती। मगर नहीं मेरे भाई, इनकी जबानें नहीं खुलती, इनके दिमागों में क्या है कि नहीं हम ही चौधरी हैं, हम सब ठीक।